क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट। मतलब इसका पहले जीरोस फाइंड करते हैं और कोफिशियंट के साथ रिलेशन दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कोफिशियंट लिख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। तो ये वाला ए हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना होगा 2√3, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा तो -5, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 3। ये हमारे कोफिशियंट है, पहले जीरो साइन करते हैं फिर रिलेशन दिखाएंगे इनके बीच में। तो हमारे पास दे रखा है 2√3x² - 5x + 3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, तो इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2√3 × √3। √3 √3 हो जाता है, 3 × 2 जा कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। यानी बीच वाले को ऐसे ब्रेक करें कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 6 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस फाइव को क्या लिख सकते हैं, 6 कैसे बनेगा, -2 × 3। तो 2 × 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस कैसे आ जाएगा, तो दोनों को अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर -2 और -3 ले लें तो ये क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 2√3x², बीच वाले को क्या लिख सकते हैं 2x - 3x + √3, ठीक है। अभी क्या, इस टर्म में कॉमन ले लो। तो इसमें हमारे पास क्या, पहले तो x दिख रहा है और क्या दिख रहा है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा तो √3x इधर बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर क्या बचेगा -1 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले, ये 3 है ना, तो 3 कैसे बनता है, तो √3 × √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे √3 जैसे ही कॉमन लेंगे, -√3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और इधर क्या बचेगा -1 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे √3 कॉमन लिया है √3x हो जाएगा, ये -1। अब दोनों में क्या है, ये कॉमन है, ये ले लेते हैं, तो √3x - 1, और क्या बच जाएगा, ये और ये बचेगा, यानी 2x - √3, ठीक है। इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, क्योंकि जीरो फाइंड करने हमको, तो एक बार हम लोग क्या कर लें, √3x - 1 इक्वल टू जीरो करेंगे, तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो डिवाइड में x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। यानी कि हमको अल्फा मिल गया, कितना मिल गया 1/√3। बीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x - √3 = 0, माइनस से उधर जाएगा तो +2x = क्या हो जाएगा √3, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में x इक्वल टू हो जाएगा √3/2, ये मिल गया हमारा बीटा, ठीक है। जीरोज हमको मिल गए 1/√3 और √3/2, अल्फा बीटा मिल गए, कोफिशियंट हमारे पास दे रखा है। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, इनके बीच में रिलेशन। तो रिलेशन दिखाने के लिए क्या होता है, पहला होता है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, ये कोफिशियंट है, ये जीरोज है। अल्फा कितना दे रखा है 1/√3, और बीटा क्या दे रखा है +√3/2। माइनस बी मतलब -5, अब -5 है और ये माइनस है, तो ये +5 हो जाएगा डायरेक्ट। ए की वैल्यू कितना दे रखा है 2√3, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए 5/√3 मिलना चाहिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, √3 में √3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा √3 × 2 करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5√3 चल रहा है, ऊपर वाला कितना आ जाएगा 5/√3, और इधर भी आ गया 5/√3। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ जीरोज देखे, रिलेशन निकाले, तो हमारा दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अभी क्या है, दूसरा एक और चेक करना होता है, वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी α × β क्या होता है, ये c/a होता है। अल्फा कितना दे रखा है 1/√3, बीटा कितना दे रखा है √3/2,
इक्वल टू सी की वैल्यू कितना दे रखा है रूट थ्री अपॉन ए की वैल्यू कितना दिया है टू रूट थ्री। तो ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन टू, इधर भी रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया यानी वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू। तो इस तरीके से हम आ रहे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो भी हम लोग जीरोज फाइंड किए हैं वो भी सही है, ठीक है, यही रिलेशन हमको दिखाना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब जिनको मतलब प्रॉपर वन बाई वन क्वेश्चन चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन में तो चल ही रहा है ऐसे जो टफेस्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर के उसी को हम उठा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में जिसको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप चैप्टर के अगर क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट करें तो उनके लिए प्रॉपर चलेगा।